या कच्चा तो रनाल बड़ी होशियार मेरे दिल के द्वार लक्ष्मी और काम करती है तेरा गंदा, शर्म नहीं आती तुझे? आए हाय हाय हाय, नाम तेरा सुकन्या और काम करती है बारगोल वाले। मैं तू करती थी तू, नाम करा लक्ष्मी, काम करा कुलक्ष्मी, हाय कुलक्ष्मी, मना अठन्नी वर्गी। जबान संभाल के बात कर, मैं हवलदार की लड़की हूँ। चाहे थानेदार की हो चाहे पहरेदार की हो, तेरी सारी असलियत खोल कर धर दूंगी, ज्यादा ना बोलना, समझी? क्या देख रहे हैं इन्हीं दिन के बीच में कितने लोग झगड़े झगड़ा हो गया? चलिए के बाद मैंने बेटी ने इसमें क्या हो गया? ये अपने आप को बहुत ज्यादा सच सुतरी मानती है, आज इसकी असली सबके सामने ला के रहूंगी। तू नहीं लगना चाहती, तू चुप हो जा। मैं पहले भी मार लिया, तू चुप हो जा। अरे मगर के बात होगी, क्यों आप आगे थारे पे क्यों लड़ रही हो? और कुछ नहीं, या दिखा रही अपने बाप को रोब, आज मैं सबने बता करूंगी या कितनी बिगड़ी हुई है। के गया इसकी चुन्नी सुकड़ी हुई है, सुकड़ी रहन दे, फिर तू को वीरान हो रही है। मेरे कर्म तो यही फूट गया कि मैं पैरों का पल्ला पड़ गई। जरूर इसकी बहू ने छेड़ा होगा, हमारी बहू ना है ऐसी, हमारी बहू तो अच्छी है। ए हमारी बहू भी ऐसी ना, जो सबसे फट्टे में हाथ देती भी है। अभी दिखाती हूँ। चाचा बांदरी वर्गी मुँह की ये देखो मम्मी जी, इसकी फोटो पांक, कितनी गंदी गंदी फोटो देख लो। ए हीरोइन है, देखो तू तो मिनट रुक, अरे पाड़ ले पाड़ ले, रुक जा, पहले ये अपनी तो कर तुझे देख ले। ए ज्यादा ना बोलला, देखो इसकी नंगी है फोटो देख, एक बार देख लो उसके करतूत। मैं तो
नहीं है ये, क्यों नहीं दिखाती? चल तू, क्यों नहीं दिखाती? अब क्या हो गया? तू अपनी देख, ये देख, तुम मेरे खोल, तुम मेरे फेंक दे मुझे, क्या है एमसी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम इन्नी कुत्ती सी, तू सी, तू डी, तू कुत्ती। अरे बेटे बहुत हो लिया, बहुत बेरानी बेरानी गाली दे ली तुमने। अरे यू क्या खाना से जोड़ रखा? अरे भाई तुम्हारा खानदान कभी चैन से रह सके नहीं रह सकता, जब देखो तब लड़ाई, जब देखो तब लड़ाई। कोई सा मानस चैन से रह सकता है नहीं रह सकता? ए, के कया प्रधान जी, मारा दूत बात सके या नहीं, और के यहाँ आरती उतर रही। अरे तुम दोनों ही ना भीतर को ले जाओ, के बोबो की ढाली सिर उखाड़े खड़ी है, कतई शर्म लिहाज न रही है इन्हें। चल बहू चल, चल छोड़, महा आराम है ये तो। मैं हवलदार की लड़की हूँ, देख लूंगी तुझे, समझी? चल बहू चल, हाँ चल, हाँ हाँ देख लूंगी तुझे, मैं भी जमींदार की बेटी हूँ, जमीन में गाड़ दूंगी। तुम्हें लग रही पढ़ी लिखी बहू आनी चाहिए घर में, पर तुमने पढ़ी लकड़ी ले ली। पढ़ी लिखी तो ठीक है, लेकिन संस्कार नाम की भी कोई चीज होए करे ना होए करे, देखा कैसे बेसरमो की ढाल आपस में भिड़ रही थी। ए, के कया मारी बोलिया पिट रही थी, मारी बहू ने तो बराबर की टक्कर ली। प्रधान जी तुम तो जब आए जब सारी फिल्म का दी एंड हो लिया। बहरे चुप हो जा या अपने घर को चला जा। ए, के कया घर को जा, चला जाऊंगा, किसी की दाम में न रहता। मास्टर जी तुम तो समझदार आदमी हो, तुम्ही को सोच ले करो। प्रधान जी सोचना पड़ेगा, शर्म थारी दिखा देता मेरे चोड़ के आ आ आ जा रहे हम तो। अच्छा नू हो रही लड़ाई भाई, बहू तो कतई मलाई आ रही इनके घर में भाई, अपने अपने नसीब हैं। एक हमारे घर में आ रही हूँ भुंडी सी शकल की। सुकन्या, ओ सुकन्या, अरे सुकन्या, किसी की मुराद इतनी जल्दी पूरी हो जा? अरे के बात हुई जान, बता तो सही। कोई मुझे मारे, मेरी इंसल्ट करे, तो क्या तुम सहन कर लोगे? जो मेरे सामने कहे ना, कतई सहन नहीं करने का। जो आपके पीछे करे तो? पीछे की बात छोड़, मैं इन पीछे वालों के मुंह ना लगे करता हूँ, शेर का बच्चा हूँ, आगे से वार करूँ। जल्दी बताओ ना। इन पीछे वालों को तो मैं बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ, इन्हें तो मैं बिल्कुल भी नहीं बकसने का। सुनो तो, सुनो तो सही। तो जाओ लड़ो फिर। योद्धा रात में नहीं लड़ा करते, सूरज निकलने का इंतजार करते हैं। लक्ष्मी देव तू ना करे मेरा गुदगुदी होवे। चलो नहीं करूंगी। हाँ पूछ, क्या पूछना है? अगर कोई मेरी बुराई करे तो तुम उसके साथ क्या करोगे? लक्ष्मी तू है इतनी अच्छी, तेरे बारे में कोई गलत बात कर ही नहीं सकता। फिर भी कोई करे तो? तो समझ ले उसका दिमाग खराब है। कोई मेरी इंसल्ट करे या मुझे मारे तो? करता के सारे के थाने में जाके एफ आई आर लिखवा दूंगा। थाने जा सकते मैं तो गांधीवादी आदमी हूँ, पर जब तू कह रही है तो कुछ करना पड़ेगा। पर बात क्या हुई? कल पता है वो घर के बाहर कूड़ा फेंक दी, फिर उसने मेरी फोटो भी दिखाई, सबके सामने मेरी बेइज्जती करी, मारा भी मुझे, इतना मारा जल्दी से तुम जाके मारोगे, देख लो मैं बता रही हूँ। कल कितना कुछ, मम्मी से पूछो, पापा से पूछो, क्या कुछ नहीं हुआ कल, इतना कलेश हुआ, इतना ज्यादा कलेश। कोई बात नहीं, तू सवेरी देखे मेरा कमाल। क्यों, अब क्या हो गया तुम्हें? अब तो मैं बादाम का दूध पी के सोऊंगा और सवेरे को उसे निकालूंगा।
सुबह तक तो सारी बात भूल जाएगा ये। हो गया काम। यार खैर गली में तो कोई ना, पर जो इनका पूरा घर आ गया ना, लिपट के बेइज्जती हो जाएगी यार घड़ी। चल देखो इन्हें भी। छोटू, ओ छोटू, बाहर निकल। अरे क्या होगा भाई? भाई भाई किसे बोल रहा? तुझे बोल रहा और किसे बोलता भाई? आज तो भाई तेरा दुश्मन हो रहा। भाई के आज तो दुश्मन हो रहे हम तेरे। पर बात क्या हुई, कुछ बता तो सही। तेरी बहू ने मेरी बहू की बेइज्जती करी। अब क्या बात, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त। भाई नो तो तू गलत कह, मैं पूछ के आऊं। हाँ हाँ पूछा, इज्जतदार आदमी। क्या हुआ? अरे तन्ना भाभी की बेइज्जती क्यों करी? देखा दोनों मियां बीबी कैसे मेरे डर के मारे भीतर घुस गए। ओ गुल्ली, तेरी बहू की इतनी हिम्मत जो मेरी देवी जैसी बहू की बेइज्जती करी। चल मैदान में, तुझे भी बेरा पार जाना। अरे चल, देर से कौन डरे है, ऐसे तो छुट्टे सिर पे चढ़ जाएंगे मारे। इतनी हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखा। अरे ऐसे तो तुम इतने बड़े शेर ना हो, मान ना। अरे कोई नू कहेगा बड़े भाई पे हाथ ठा दिया। अरे मैं नू कह रहा हूँ, कोई नू कह देगा छोटा पीस दिया। तू हाथ लगा के दिखा, तू लगा दिखा पहले। छोटे तुझे तो पता ही लड़वाना चाह रही है, पर हम ऐसा होना तो नहीं दे। तो समझ मेरी बात, कुछ ना कुछ ड्रामा देख कर ऐसी नहीं नहीं पिटा दे तो सही। तू जा, है बांदरी बोल। छोटे हम तो एक हम तो बढ़िया हैं भाई। ना भाई हम तो देख तेरे को, देख तेरे चुप, तेरा झुक गया नीचे। ए तू चूहे को सर, इसे ना दो दाने घेर के अंदर बुला ला, इसलिए तेरे दाने लाके है। देख मेरा कत्ती बॉडी बिल्डर। अरे तुम दोनों कहाँ को लड़ रहे हो? अरे मम्मी जी इनको लड़ने दो। तो ठीक है लड़ो। तो सीन कर रहे हैं, हटो ना। मम्मी जी शुरुआत तो इन्होंने करी थी, ये तो आज फैसला करने लग रहे। कर अंदर तू बेटी, लड़न दे इन्हें। ठीक है ठीक है फिर। यार अब वाहे गुरु दी फतेह, अब तो मैनू बीच बचाव करना पड़ेगा। अयो राम, अब हमें ही कुछ करना पड़ती जी। यन्ना रस का लंबा इंदिर जी। सरदार बीच में आ गया, ये भी थोड़ी सी देर में जीप बाहर आ जाती तेरी। यार गलती हो गई, हो ना हमारी यार। हमको मत मारो, हमको चोट साड़ो। अब आए खूड में साड़ो, आप कैसे ना इस बावड़े खानदान से दूर रहियो, भमोड़ देंगे सबने। अयो सरदार जी, हम तो इन बावड़ों के खानदान में गलत फंस गए जी। अयो अब्बा बहुत मारा जी, यल्ला रस का लंबा इंदिर जी। कौन से
ओए रब मैर कर। अरे राम हमको कितना मारा, हमारी बैकबोन में भी बहुत दर्द होता है, ये अंदर रश कर मर। गल सुन, मैं तेरा दुश्मन ते तू मेरा दुश्मन है, दुश्मन दुश्मन दोस्त हो जाते हैं। सरदार जी हमको इस बात में कुछ गड़बड़ लगती जी, यार आजकल लग माइंडेड जी। ओए खुटते हैं तो पुत्र टाइम देखना चाहिए। अभी हमारे फोन में 12 बजे, अभी थोड़ा रुको, अभी टाइम खराब है जी, यार आजकल लग माइंडेड। ओए मेरा मतलब है दोनों ने पिटाई का बदल ले लेना सी। हमको कोई देखता तो नहीं जी, हमको बहुत डर लगता जी। ओए मैं हूं ना, तनु कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर पहले तुम ही होती जी, तुमको भी बहुत मारा जी, यार नाराज कर ला माइंडेड। ओए साड़ी गल सुन। बोलो जी। दोनों प्लान बनाते हैं। आप बताओ जी। बहुत अच्छा जी, यार नाराज कर ला माइंडेड। चलो देखो भाई मास्टर जी, मैंने आप लोगों को इसलिए बुलाया है भाई, आगे से तुम दोनों ने आपस में झगड़ा करा तो थाने में जाकर मैं तुम दोनों की रपट लिखवा दूंगा।
के कया खाने में जहर मिला तुम्हारा। प्रधान जी मैं तो घर तक खा का आया, तुम दोनों कह लगे इस मारे दो पैक ले लिए। अरे तेरे प्रधान जी कह रहे के क्या तुमने झगड़ा करा तो पुलिस को बुला लेंगे। ये कया पुलिस बुला लेंगे, हमने तो भाई यूं सुनी थी अब अंची पुलिस बुला लेगी। ये तो पहली बार सुन रहे हैं कि प्रधान जी पुलिस बुलावेंगे, पर दोनों कान खोल के सुन लियो, यू ताऊ बेरा भी यूं ही चल लेगा। गुरुजी तुम तो समझदार आदमी हो, तुम ही समझाओ कुछ इसे। तुम दोनों भाइयों को आपस में प्रेम भाव में रहना चाहिए। मैं समझ गया प्रधान जी, आ गया नो 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 आवे के कया गाना न गान देने का। प्रधान जी दारू तो हो थारी बे सकते, ये जुबान तो मारी, इस तो हम कुछ भी काम है। अरे बहरे में झगड़े की बात कर रहा हूँ। झगड़ा इसका होगा झगड़ा? अरे रोज तुम्हारे झगड़े हो गए और किसकी हो गए यहाँ झगड़े? प्रधान जी ये तो हमारा रोज का काम है, जब हमारा ब्यों की बिगड़ खानदान है। देख लो मास्टर जी तुम्हें के देख लेगा, यू तो मेरा भाई है। तेरे भाई याद ना मारे बड़े बुड्ढे के कहे करते, अगर आपस में तो मैं कितना ही लड़वाओ, आपस में सलूक तो रही हो। यू प्रधान हमें लड़वा देगा, मार साले के। ठीक कह रहा मार। या प्रधान जी तू मारा फूट के 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 अरे मुझे छोड़ दो बिगड़े खानदान को, अरे छोड़ दो, अरे मार दिया। सारे पीट के भाग गए, देख लूंगा तुम्हें मैं। आइए लल्लन जी, आइए अम्मा भाभी बाहर आ दी। देखो हम तुम्हारे लिए क्या बना के ला दी, तुमको बहुत अच्छा लगती। यानी रसकल महंगे सांबर जी डोसा जी खाती, वो दोनों बाहर गए हैं। मार के जाती, ये तो अच्छा मौका होती मैडम को पटा देती। हम आपके लिए डोसा बना के लाते हैं, आप भी तो हमारी बेटी जैसी होती है। नरस कर लो, रोक रहे हो आप, मुझे तो दुख है। अयो अम्मा हमको बहुत बुरी लगती जी। पर कौन है? अयो आप हमको सच्ची बहुत बुरी लगती जी। कौन? पर ये तो बताओ। वही बात जी। कौन सी बात है? अयो आप जो हमें सरदार जी ने बोल दी जी। क्या बता सरदार ने तुम्हें? बहुत अच्छा होती जो हमने ओवर एक्टिंग नहीं करती जी, वरना जब भी लाइफ में हम एक्टिंग करती तो ओवर हो जाती। यन्ना रस कर ले। ये तो बड़ा अच्छा मौका है, छोटू की मम्मी मेरी सास तुझे भी छोटी कर देगी। बेटी क्यों दुखी हो रही है, रहने दे तू। इस पर दुखी होने वाले क्या बात है मम्मी जी, बड़ों की सेवा करके तो मेवा मिला है। बेटी बहुत अच्छी, तेरे जैसे बहू कहीं ना मिले मुझे। पर मम्मी जी कुछ लोग तो गलत सोचते हैं ना। ऐसा क्या हुआ बहू? अच्छा एक बात बताओ, क्या मेरी नाक बंदरिया जैसी है? नहीं बेटी बहुत गलत है। क्या मेरे कान गधी जैसे है? नहीं तो। क्या मेरी आंख कुतिया जैसी है? नहीं नहीं। क्या मेरा रंग भैंस जैसा है? नहीं तो। क्या मेरे बाल घोड़े की पूंछ जैसे है? नहीं तो। और हाँ क्या मैं गुस्से में ताड़का जैसी लगती हूँ? नहीं तो। मम्मी जी क्या मैंने अपने फैशन के चक्कर में अपना घर का नाश कर लिया? नहीं नहीं बेटा, क्या बात है बता। छोटू की मम्मी किसी तक कह रही थी कि मैं बिल्कुल अपनी सास जैसी लगती हूँ। अच्छा ये बात है, सुना ले के लार, मैं झाड़ू नहीं जाता आज। अच्छा मैं भी श्रीदेवी हूँ, श्रीदेवी। आज पड़ेगी मेरे कालजे को ठंडक, आज तो ये मोटी पिटे ही पिटा।
और बाकी इस बावले कुनबे की दुर्गति देखियो अगले भाग में। तब तक करो वेट। जयराम जी की।